कुंडली भाग्य की शेरलिन। जी हाँ, अगर उन्हें देना हो हमें कोई कलर तो वो होगा रेड, क्योंकि रेड से सबसे पहला थॉट यही आता है, कलर ऑफ डेंजर। जी हाँ, खौफ का माहौल जो बनाए रखती हैं वो हमारे करण और प्रीता की जिंदगी में। तो आइए डालते हैं नजर कुंडली भाग्य पर। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हो जी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तू भी ये सब सोचना बंद कर दे। रियली? ये आप कह रहे हो दी? हाँ मैं कह रही हूँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं देख रही हूँ, तू नहीं देख रही है। तूने नहीं देखा कि आज राखी माँ की क्या हालत थी? जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में आज प्रीता कश्मकश में फंसी है, जहाँ एक तरफ उसे अपने घर वालों की चिंता सता रही है, अंदर से बिखर चुकी है, और उस हालत में उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात की कि अब शायद पृथ्वी और कृतिका की शादी उनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी, और मैं जाकर उनको कह दूं कि ये शादी नहीं हो सकती। अरे मुझे मेरा परिवार भी तो देखना है, वो इतना टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इतना बड़ा घर में हादसा हो गया, उसके ऊपर मैं अब इतना बड़ा मैटर लाकर खोल दूं कि ये शादी भी नहीं हो सकती, और कौन सुनेगा मेरी बात। तो वहीं दूसरी तरफ उसे अपने दुश्मनों का पर्दाफाश भी करना है। ऐसे में प्रीता लेती है फैसला कि पृथ्वी और कृतिका की शादी में कोई ट्विस्ट नहीं लाएगी और अपने घर वालों को प्रायोरिटी देगी, क्योंकि उसके घर वाले बुरी तरह से परेशान हैं, और अगर कृतिका और पृथ्वी की शादी टूटी तो उसका परिवार बिखर जाएगा, और यही सारी बातें वो अपनी बहन सृष्टि को बता रही है। अब तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ दे सृष्टि। मतलब आप अपने बड़े बड़े दुश्मनों को किस्मत के हाल पे छोड़ दोगे? हाँ सृष्टि, क्योंकि यहाँ बात दुश्मनों की नहीं, मेरे अपनों की है, प्रायोरिटीज की है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मेरे दुश्मन या मेरे अपने, जो इस वक्त रो रहे हैं, टूटे पड़े, बिखरे पड़े? मैं उसके ऊपर उनको और दुख दे दूं? नहीं, इस वक्त मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करना है। मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी दिल ज्यादा दुखे। ट्राई तो पहले भी कर चुके हैं ना। इतना ही नहीं, उसने तो अपने दुश्मनों का फैसला भगवान पर छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि कहानी में आता है कौन सा नया ट्विस्ट। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैंने ये बात ऊपर वाले पर छोड़ दी है, जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे।